गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। भारत में कोरोना के 18,985 मामले आए सामने, 603 लोगों की हुई मौत, 3,260 लोग हुए ठीक। केजरीवाल सरकार का ऐलान, पत्रकारों का होगा मुफ्त कोरोना टेस्ट। फूड सिक्योरिटी के तहत दिल्ली में अब 1 करोड़ लोगों को दिया जाएगा फ्री राशन। मोदी और ममता सरकार में एक बार फिर से ठनी, केंद्रीय टीम को कोरोना संक्रमित इलाकों में जाने से रोका। राज्यपाल ने कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा छिपाने का लगाया था आरोप। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय टीम को रोकने पर गृह मंत्रालय सख्त, राज्य सरकार को लेटर लिखकर आदेश दिया है कि वह मंत्रालय से 19 अप्रैल को जारी आदेश का पालन करे। कोरोना के बीच वर्ल्ड अर्थ डे की गोल्डन जुबली आज, अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नॉल्सन ने 1970 में की थी इसकी शुरुआत। एल सुब्रमण्यम अभय के और कविता कृष्णमूर्ति एक नया अर्थ एंथम रिलीज करेंगे। नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विशाल यादव की रिहाई पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज, 8 हफ्तों के लिए अस्थायी रूप से रिहा किए जाने की मांग। लॉकडाउन में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी संस्थान ने लाइव रिवीजन कक्षाएं आयोजित करने का लिया फैसला, ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर आयोजित की जाएगी क्लासेस। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की विशेष बैठक आज, 12 राज्य संघों ने बुलाई बैठक, ऑडियो वीडियो और ईमेल के जरिए बैठक में हिस्सा लेंगे सदस्य। कोरोना वायरस के बीच अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए स्पेशल विमान भेजेगा म्यांमार, आज गया एयरपोर्ट से अपने नागरिकों को करेंगे रेस्क्यू। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।